हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका वैष्णवी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम अपने टॉपिक का यानी अपने इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की जो क्रांति है वो मेरे हिसाब से हर भारतीय को जाननी चाहिए, वो भले ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। ठीक है, हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने इतिहास को जाने। 1857 क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा भारत इसमें कवर किया गया। ठीक, पूरे भारत का जो भी समुदाय था, जो भी हिस्सा था, जो भी वर्ग था, यहाँ तक कि सम्राट से लेकर के एक लुहार तक, एक सम्राट से लेकर के एक लुहार तक, और जमीन से लेकर के आसमान तक इसकी खनक पहुंची थी। समझ रहे हैं ना आप? यानी पूरा भारत इस क्रांति में उबल चुका था, जान चुका था क्या होती है क्रांति, समझ चुका था क्या होती है क्रांति। तो मेरे हिसाब से अगर आप भारतीय हैं, सच में आप भारत से प्रेम करते हैं, तो आपको 1857 की क्रांति के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आखिर क्यों ये युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने आखिर क्या किया जिसके कारण ये युद्ध हुआ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है ये उन लोगों के लिए रियल में है जो कि वाकई में अपने भारत से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक, आप इसको छोड़ करके जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि YouTube के अंदर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी डिटेल जानकारी 1857 क्रांति के बारे में आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो मेरा वीडियो आ रहा है ये 2-3 दिन बाद आ रहा है, तो मैं ये विचार कर रहा था कि आखिर किस प्रकार से इसको बच्चों के सामने लाया जाए कि उसकी जो छाया है वो हर बच्चे को पढ़े, मतलब हम जाने अपने भारत को। तो भारत की बात हम करने जा रहे हैं, हर समुदाय को यहाँ इससे हम अवगत कराने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना। आज का मटेरियल जो है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब मज़ा आ जाएगी आपको, इतना ये मज़ेदार टॉपिक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम 1857 की क्रांति के बारे में। पहले आज के हम प्रोग्राम के बारे में आपको बता दें कि हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई तो विचारक कौन कौन से आए और विचार उन्होंने कौन कौन से रखे, देखना आपको बहुत मज़ा आएगी कि विचारकों में ही आपस में मतभेद हो गया कि ये क्या माना जाए, ये क्रांति मानी जाए, ये सैनिक विद्रोह माना जाए, या ये सिपाही विद्रोह माना जाए, या स्वतंत्रता संग्राम माना जाए। समझ में आ रही ना बात? तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, चलिए फिर शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के जो नाम हैं वो बहुत हैं। ठीक, अंग्रेजों के अनुसार इसका नाम दूसरा है, भारतीयों के अनुसार इसका नाम दूसरा है, अंग्रेज के जो PM है उनका उनके अनुसार दूसरा है, मतलब जितने व्यक्ति उतनी बातें, क्योंकि यहाँ से निर्धारित ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि हर जाति के लोग आ रहे हैं, हर समुदाय के लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि काश्तकार आ रहे हैं, जनजातियाँ आ रही हैं, तो कोई भी इससे बचा नहीं था। ठीक है, अच्छा पहले हम बच्चे की शुरुआत बता देते हैं। देखिए, समय है 11 मई 1897, 11 मई 1897। ठीक है, 11 और 10 मई दोनों की मिलाकर के डेट है, 10 मई 1897 की बात है। एक पड़ती थी 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के एक व्यक्ति थे मंगल पांडे। 34वीं रेजिमेंट के एक व्यक्ति थे कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, एक विद्रोह कर दिया। तो मंगल पांडे का ये जो विद्रोह था, ये जो ज्वाला थी, ये ज्वाला कह रहे, ये जो चिंगारी थी, ये जो छोटी सी चिंगारी थी, वो इतने बड़े विशाल विद्रोह का इसने रूप ले लिया। ठीक, इतने बड़े विशाल विद्रोह का जब इसने रूप ले लिया, तो बात यहां से ये आती है कि आखिर क्या वो चीज रही होगी जिसके कारण इसने छोटी सी चिंगारी में इतना बड़ा एक रूप ले लिया, इतना बड़ा अपने पूरे पूरे भारत को समेट लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वो भी बहुत, मतलब
बहुत सारी नीतियाँ इसमें अंग्रेजों की रहीं, जो कि भारतीयों के प्रति, किसानों के प्रति, छोटे वर्ग के प्रति, समुदायों के प्रति, राजे रजवाड़ों के प्रति ये करते आ रहे थे। भाई हमने आपको 1757 के बारे में पढ़ाया, 1764 के बारे में पढ़ाया। 1757 का क्या था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। 1764 का युद्ध क्या था? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। भाई अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाने जो स्टार्ट किए थे वो 1757 से ही तो स्टार्ट किए थे, और 1757 से लगा करके 1758, यानी कि 100 साल में अंग्रेजों की बहुत सारी ऐसी नीतियां आई जिससे जो हिंदुस्तान का हर एक तबका, हर एक समुदाय प्रभावित हुआ। भाई 1757 ने इन्होंने शुरुआत की, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने छल से युद्ध किया। एक प्रकार का क्या वो युद्ध था, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं था, सिराजुद्दौला से उसने छल युद्ध कर लिया और उनकी सेना लड़ी ही नहीं। जब लड़ी ही नहीं तो खामखाम सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए, और यहाँ से इनकी शुरुआत होती है, यानी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्लासी की शुरुआत हुई, प्लासी के युद्ध की शुरुआत हुई, प्लासी विजित कर लिया। प्लासी विजित करने के बाद 1764 में क्या किया इन्होंने, 1764 में भी तो इन्होंने छल किया, कभी मीर जाफर को बैठा रहे, फिर मीर कासिम को बैठा रहे, फिर मीर का जाफर आया, फिर मीर कासिम आया। तो ये बहुत एक तरीके से ये भारतीय राजनीति में यहाँ से घुसना चाहते थे। और क्या हुआ 1764 में भी, क्या हुआ, बक्सर का युद्ध भी भारतीय हार गए, और जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से राजनीतिक सत्ता उन्होंने हासिल कर ली। तो यहाँ से देखिए 1757 से लगा करके 1857 तक कितने साल हो गए, 100 साल। 100 सालों में इन्होंने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, बहुत सारे युद्ध किए। उसी में 1806 का हमने एक बेल्लोर का विद्रोह बताया था। बेल्लोर का विद्रोह क्या था, जिसमें बताया गया था कि आप कुंडल नहीं पहनेंगे, आप तिलक नहीं लगाएंगे, आप पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक धार्मिक विद्रोह के रूप में सामने आया था। तो आप देख सकते हैं ना कि 1757 से 1857 तक इस तरीके से छोटे 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 लमसम 250, अगर हम छोटे छोटे विद्रोह को ले लें जो कि बहुत छोटे छोटे जनजातियों के बीच में हुए, अंग्रेजों के बीच में, जनजातियों के बीच में, जन समुदायों के बीच में, काश्तकारों के बीच में, लोहारों के बीच में, तो लमसम 250 युद्धों का एक परिणाम था, एक ज्वाला थी, एक लाभ मान सकते हो, एक लावा था जो कि ज्वालामुखी के रूप में फूटा था। 250 छोटे छोटे विद्रोहों का एक रिजल्ट था 1857 की क्रांति। और इसके बाद इनकी नीतियां, भाई हमने आपको नीतियों में क्या पढ़ाया, हमने आपको दत्तक का नियम पढ़ाया कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैस पढ़ाया कि वो क्या करता था, हड़प लेता था, बेलेजली की सहायक संधि पढ़ाई, वो क्या करता था, सहायता के नाम पर राज्यों को मिला लेता था। तो कहीं ना कहीं इनसे भी जो भारतीय जनता थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मतलब किसानों पर कर भी नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, रैयतवाड़ी कर, महालवाड़ी कर, तो कहीं ना कहीं जितने भी करते सब तो लगाए गए अपने ही उस प्रॉफिट के लिए, अंग्रेजों ने अपने प्रॉफिट के लिए ही तो लगाए। तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो जनता ही हो रही थी ना, तो भारत की जनता पूरी तरीके से 1757 की क्रांति तक प्रभावित हो चुकी थी, मतलब दब चुकी थी, चूस चुकी थी जनता, मतलब इतना परेशान हो चुकी थी, घुट घुट के जी रही थी जनता। तो उसी का कहीं ना कहीं परिणाम जो हमें था 1857 की क्रांति में देखने को मिला। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके कारण थे। अच्छा हम आपको बता देते हैं अब 1757 की क्रांति में कौन कौन किस पद पर था, ठीक है, अंग्रेजों में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक, देखो 1757 की इस क्रांति में सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि यहां पर गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल के बाद वायसराय तो 1858 से प्राप्त चालू होगा, 1 नवंबर 1858 से जब ये कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाएगा, सम्राट का शासन हो जाएगा, तब गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर के वायसराय यहां से बनने लगेगा। तो गवर्नर जनरल तो जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, लॉर्ड कैनिंग तो जो थे वो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अच्छा, भारत में कौन बैठा था, भारत में सम्राट कौन बैठा था, तो याद रखिएगा भारत में जो सम्राट थे वो मुगलों के अंतिम बादशाह थे, मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर।
ठीक, बहादुर शाह जफर जो थे यहाँ पर मुगलों के अंतिम शासक थे। इसके बाद मुगल जो शासन था, मुगलों का शासन ही समाप्त कर दिया गया। ठीक, और बहादुर शाह जफर को भी यहाँ से पेंशन दे करके अन्य जगह पर भेज दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड के पीएम कौन थे। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो पीएम थे इस समय थे पार्मिस्टन। कौन थे? पार्मिस्टन। इंग्लैंड के पीएम कौन थे? पार्मिस्टन। इंग्लैंड के पीएम पार्मिस्टन। चलिए, इंग्लैंड के पीएम हो गए। इंग्लैंड के पीएम होने के बाद यहां पर इन ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई कोई भी अगर युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें मुख्य कौन होता है? सेनापति। सेनापति मुख्य होता है ना। तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मुख्य सेनापति जो थे वो थे जॉर्ज एनीसन। कौन थे सेनापति? कौन थे सेनापति? जॉर्ज एनीसन। जॉर्ज एनीसन थे। ठीक है, ये कौन है? ईआईसी के सेनापति। ईआईसी के सेनापति इस समय जॉर्ज एनीसन थे। एनीसन याद रखिए, एनी कोई भी बेटा, कोई भी सन, एनीसन। ठीक, पार्मिस्टन, पार्म, ठीक है, पार्मिस्टन से ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह जफर लॉर्ड कैनिन गवर्नर जनरल हो गए। इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता, सॉरी, जब युद्ध अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, तो इनके द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम था कैंप बेल। कैंप बेल। हम आपको कैंप बेल के बारे में बताएंगे कि इसने किस प्रकार से कानपुर और किस प्रकार से लखनऊ में नेतृत्व किया और वहां की जनता को हराया। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई 1857 क्रांति में कौन किस पद पर नियुक्त था। अब जो मुख्य बात आती है, मुख्य चर्चा आती है कि 1857 की क्रांति को हम क्या नाम दें, इसका नाम क्या दें। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक, 1857 क्रांति का हम नाम क्या थे? बहुत बड़ा प्रश्न ये बन करके सामने आता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई एक समुदाय तो था नहीं, कोई एक मतलब वर्ग की जनता तो थी नहीं, कोई एक राष्ट्र तो शामिल था नहीं इसमें। हमने बताया क्या, सम्राट से लगा करके लोहार तक, यानी कि उच्च वर्ग से लगा करके निम्न वर्ग तक हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित था। तो यहां से बहुत बड़ा मुद्दा ये खड़ा हुआ कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। तो 1857 क्रांति हो गई, इसका नाम क्या होना चाहिए। चलिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इसका सिस्टम क्या था। देखिए, अंग्रेजों की जितनी भी सैनिक थे, अंग्रेजों की जितनी भी सेना होती थी, मान लो 100 सैनिक हैं, अंग्रेजों की सेना में कितने सैनिक हैं? 100 सैनिक हैं। तो इसमें होता क्या था, जो 20 सैनिक थे वो केवल अंग्रेज थे, वो केवल अंग्रेज थे। और इसमें से जो 80 सैनिक थे, 80 जो मतलब व्यक्ति थे, वो क्या थे? भारतीय थे। तो कहीं ना कहीं उनकी सेना में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है? 80 वाले लोग, यानी भारत के लोग ज्यादा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम आपको दो वर्ड बताते हैं। एक वर्ड है सैनिक और एक वर्ड है सिपाही। अब ये बताइए, आप इतने समझदार हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं आप समझदार होंगे इतने। सैनिक और सिपाही में कौन सा पद बोलने में या कहने में अच्छा लगता है? कौन सा पद अच्छा लगता है, सिपाही या सैनिक? सिपाही या सैनिक। यहां पर अगर हम बात करें, सैनिक जो शब्द है ये थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है, अपने आप में थोड़ा पद का अनुभव होता है कि हाँ हमारे पास कुछ पद है। तो ये जो 20 थे इनको बोला गया क्या? सैनिक। और ये जो 80 थे इनको क्या बोला गया? सिपाही। देखिए, यहीं से भेदभाव चालू हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय, फिर भी नाम उनका क्या दे रहे हैं आप? छोटा सा पद प्रदान कर रहे हैं, सिपाही। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहां पर सबसे बड़ा भेदभाव उनको देखने को मिलता है। 20 लोग केवल ये थे और इनको क्या बोला जा रहा? सैनिक, मतलब सीना चौड़ा करके हम सैनिक हैं। ये बेचारे ज्यादा होते हुए भी क्या कह रहे हैं? हम सिपाही हैं। तो भेदभाव आपको समझ में आ रहा ना। तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्ति के बाद एक से विचारक आते हैं, अरे पूछो मत, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करता है। तो ये नहीं समझ में आ पाता है कि ये सैनिक विद्रोह है या सिपाही विद्रोह है। क्या कहा हमने? कि ये सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है या ये सिपाही विद्रोह है। अब बताइए, अच्छा आप इसका क्या नाम देंगे? सैनिक विद्रोह नाम देंगे, सिपाही विद्रोह नाम देंगे? नहीं देंगे ना। तो सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया।
किसी ने कहा ये सैनिक विद्रोह है, किसी ने कहा ये सिपाही विद्रोह है, क्योंकि सैनिक या सिपाही, जो सिपाही थे इसमें हर व्यक्ति सम्मिलित था। हम आपको फिर से बता रहे हैं, हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित था। तो बहुत सारे इतिहासकार आते हैं, अंग्रेजों के इतिहासकार आते हैं, और इधर से भारतीयों के भी बहुत सारे इतिहासकार आते हैं, जो कि अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। हम जरा उन विचारों को पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि विचार एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हमने बताया नहीं कि ये जो वीडियो है ये आपको एकदम 1857 क्रांति के एक एक पॉइंट से रूबरू करा देगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, आप अगर इसको पूरा देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि क्या होता है 1857 क्रांति, क्या थी रियल में, क्या थी। अभी हम आपको एक किताब के बारे में बताएंगे, ठीक, किताब के बारे में बताएंगे तब आपको बहुत मजा आएगी। चलिए, तो यहां पर आते हैं कौन कौन से अंग्रेज इतिहासकार आते हैं, अपने मत प्रकट करते हैं, और एक आते हैं कौन से भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार कह सकते हैं या हम विचारक कह सकते हैं, जो विचार अपने प्रकट करते हैं। अब इन दोनों में बहुत बड़ा मतभेद हो गया। मतभेद क्या हो गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो अंग्रेज थे वो बताते थे कि ये न कहीं ना कहीं एक म्यूटिनी है, म्यूटिनी है, म्यूटिनी, ये कहीं ना कहीं एक क्या है, म्यूटिनी है। तो जब अंग्रेज इतिहासकार आए, भारतीय इतिहासकार आए, इन्होंने अपने अपने विचार प्रकट करिए। तो अंग्रेज इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार जैसे कि हम पढ़ते हैं, सील आए, जॉनसन आए, टेवेलियन आए, सील आए, जॉनसन आए, टेवेलियन आए, होम्स आए, माल्सन आए, कौन आए, सील आए, जॉनसन आए, टेवेलियन आए, टेवेलियन आए, होम्स आए, माल्सन आए, कौन आया, माल्सन आए। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। क्या कहा ये, इन्होंने कहा सिर्फ एक ये क्या था, सैनिक विद्रोह था। अब बताइए, अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। अब बताइए, सैनिक विद्रोह, ये सैनिकों का ही विद्रोह था, मतलब क्या जो 80 लोग थे वही केवल लड़े थे? क्या आपके जो सिपाही, जो आपने 20 लोगों को सिपाही बताया है, सॉरी उल्टा हो गया, ये केवल एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है, जो सिपाही बता रहे हैं क्या उनका ही विद्रोह नहीं था? तो सैनिक विद्रोह था, तो यहां पर क्या हुआ, मतभेद खड़ा होने लगा। इन्होंने सैनिक विद्रोह पूरा पूरा बताया, तो कुछ इनके सपोर्ट में भारतीय इतिहासकार भी आए। हमने बताया ना कि कुछ इतिहासकार आए, अंग्रेज इतिहासकार आए, कुछ भारतीय इतिहासकार आए, और कुछ इतिहासकार ऐसे आए जो कि मतलब असमंजस में थे कि हम किसकी तरफ जाएं, अंग्रेजों की तरफ जाएं या भारतीयों की तरफ जाएं, ठीक। तो कुछ इतिहासकार इसमें आए जो कि अंग्रेजों की तरफ से सपोर्ट करने आए, ठीक। उसमें से कुछ इतिहासकार कुछ सपोर्ट करने आए, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान आए, खान अब्दुल गफ्फार खान आए। इसके बाद किशोरी चंद आए, कौन आए, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान आए, किशोरी चंद्र जी आए, जगजीवन लाल आए, जगजीवन लाल आए। तो इन्होंने भी, ये जो अंग्रेज बता रहे थे कि ये कैसा है, ये एक सिपाही विद्रोह है, ये सिपाही सॉरी, ये एक सैनिक विद्रोह है, तो इनका कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, ठीक। उसी में जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था एन एसे ऑन कॉजेज ऑन द इंडियन रिवॉल्ट 1857, एन एसे ऑन कॉजेज, लिख दे, लिख देना। चलिए अच्छा, पेन की जरा हम चेंज कर लेते हैं। इन्होंने बुक लिखी, एन इंग्लिश में लिखते हैं, एन एसे ऑन कॉजेज ऑन द रिवॉल्ट 1857। ये जब इन्होंने किताब लिखी, अच्छा ऑन द इंडियन रिवॉल्ट, सॉरी ऑन द इंडियन रिवॉल्ट 1857, इन्होंने इस किताब में ये बताया
ये जो किताब, मतलब ये जो विद्रोह था, ये एक सैनिक विद्रोह था, ये एक सैनिक विद्रोह था। तो कुछ इतिहासकारों ने, जैसे कि किशोरी चंद्र, जगजीवन लाल और इसके साथ मुंशी जीवन लाल भी आते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका समर्थन किया। समझ में आ गई बात इतनी? चलिए, ये तो बात हो गई सीले, जॉनसन, टेवेलियन, होम्स, लाल, मतलब मालसन है ये, सॉरी, ये मालसन है, मालसन ने बताया सैनिक विद्रोह है। और इसी का मतलब इन्होंने भी बोल दिया कि ये क्या है, सैनिक विद्रोह है, ठीक। इसके बाद अन्य व्यक्ति देखते हैं, अन्य व्यक्ति भी आए, इन्होंने क्या क्या अपने विचार प्रकट किए। इसके बाद अंग्रेजी इतिहासकारों में एक आते थे रॉक्स, रॉबर्ट्स और कूपलैंड। कौन आते थे? रॉबर्ट्स और कूपलैंड, रॉबर्ट्स और कूपलैंड। अब रॉबर्ट्स और कूपलैंड ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, ये कैसा विद्रोह है, ये मुस्लिम विद्रोह है। अब बताइए, इन्होंने तो नई बात बता दी, ये कैसा विद्रोह है, ये सैनिक विद्रोह है, ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं है, ये कैसा विद्रोह है, ये मुस्लिम विद्रोह है, ठीक। ये विचार बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम का स्तर बड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे भाई, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, अच्छा लगे चाहे ना लगे, ठीक। अभी तो आपको ये मतलब मन लग रहा हो क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, इसको स्किप करो, दूसरे पर जाओ, आपको लग रहा होगा। लेकिन अब जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या होता है इतिहास, ठीक। चलिए बात करते हैं, तो रॉबर्ट्स कूपलैंड थे, इन्होंने कहा कि ये कैसा विद्रोह है, ये मुस्लिम विद्रोह है। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं रीज। कौन आता है? रीज। अब बात आती है कि रीज महोदय ने क्या कहा, रीज महोदय ने कहा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, किसका? ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, किसका? धर्मांधों का। अब बताइए, क्या ये ऐसा था, क्या इसमें जो व्यक्ति लड़ रहे थे वो केवल धर्म के अंधे थे? नहीं ना, तो धर्मांधों का युद्ध ये कोई था नहीं, लेकिन फिर भी विचारक है, अपने विचार रखे। इसके बाद व्यक्ति आते हैं होम्स। कौन आता है? होम्स। इन्होंने क्या कथन रखा? देखिए, होम्स महोदय ने कहा कि ये बर्बरता की सभ्यता का विद्रोह है, बर्बरता एवं सभ्यता का विद्रोह है, बर्बरता एवं सभ्यता का विद्रोह है, ये ध्यान रखिएगा, सभ्यता, सॉरी, बर्बरता एवं सभ्यता से भरा हुआ विद्रोह है, बर्बरता एवं सभ्यता से भरा हुआ विद्रोह है, ठीक। इसके बाद आते हैं डब्ल्यू टेलर और आउट्रम। क्या आता है? डब्ल्यू टेलर और आते हैं आउट्रम। आउट्रम, अब डब्ल्यू टेलर और आउट्रम महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यह हिंदू और अच्छा, एक बात और बता दें, इस समय तक क्या था, देखिए ये जो सॉरी, ये जो 1857 का विद्रोह था, क्रांति थी, इसमें हर वर्ग हिस्सा ले रहा था, मतलब कोई भी वर्ग छूटा नहीं था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर वर्ग इसमें लड़ाई कर रहा था, छोटे से लगा करके बड़े तक हर एक व्यक्ति था। तो इन्होंने कहा कि ये जो डब्ल्यू टेलर और ऑटम ने कहा कि ये जो विद्रोह है ना, ये मुस्लिम और हिंदू का अंग्रेजों के प्रति एक षड्यंत्र है। क्या कहा? कि ये हिंदू और मुस्लिमों की मिली जुली चीज है, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति क्या कर दिया है, षड्यंत्र कर दिया है। हिंदू मिल गए, मुस्लिम मिल गए, इन्होंने मिल करके ये दोनों हो गए भाई भाई, और अंग्रेजों के प्रति इन्होंने कर दिया षड्यंत्र। गलत बात है ना ये भाई, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। डब्ल्यू टेलर और आउट्रम ने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर के अंग्रेजों के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक विचारक और आते हैं, उनका नाम था व्हीलर। हाँ, व्हीलर, व्हीलर, व्हीलर द्वीप सुना है ना, व्हीलर द्वीप, व्हीलर, व्हीलर ने क्या कहा, व्हीलर ने कहा कि ये एक प्रकार से एशियाई स्वभाव का परिचायक है, एशियाई स्वभाव का परिचायक है, एशियाई स्वभाव का परिचायक है। बताइए, क्या ये एशियाई स्वभाव का परिचायक था?
मतलब इन्होंने ये बता दिया इससे, उनका सीधा सीधा मतलब ये गया यहाँ से मेरे हिसाब से, कि वो एशिया के बारे में बताना चाहते हैं कि एशिया के लोग कैसे हैं, एशियाई स्वभाव का परिचायक है। चलिए यहाँ से तो इतने हो गए, आगे बात करते हैं। अभी देखिए अंग्रेज इतिहासकार ही चल रहे हैं, अभी हम भारतीय इतिहासकारों के बारे में बताएंगे। भारतीय इतिहासकारों के बाद एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में बताएंगे, ठीक, वीर सावरकर जी के बारे में बताएंगे, ठीक है। हाँ आगे आगे, हाँ कहाँ चले गए, व्हीलर जी हो गए। व्हीलर जी के बाद अब हम बात करते हैं बेंजामिन डिजरेली के बारे में। हाँ बेंजामिन डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली देखिए आगे जा करके ये इंग्लैंड के एक जाने माने प्रधानमंत्री भी बनते हैं, बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली के बारे में आपको बताते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से, ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। देखिए 1857 की जो क्रांति थी, तो 1857 की क्रांति में जो वहां की संसद थी, जो यहाँ की संसद थी, मतलब ब्रिटेन की जो संसद थी, वो कह रही थी कि ये एक प्रकार का क्या है, सैनिक विद्रोह है। भाई संसद भी बोल रही थी कि ये एक प्रकार का क्या है, सैनिक विद्रोह है। तो थोड़ी सी हम स्टोरी आपको इसमें बताते हैं। मान लीजिए कि संसद सजी है, संसद के अंदर बेंजामिन डिजरेली बैठे हैं, बेंजामिन डिजरेली बैठे हैं, संसद ने कहा कि ये तो एक सैनिक विद्रोह है। क्या है, सैनिक विद्रोह है। उसी में बेंजामिन डिजरेली जो बैठे थे, इन्होंने कहा ये सैनिक विद्रोह नहीं है, ये सैनिक विद्रोह नहीं है, ये कैसा है विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही ना कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, इनके ऊपर होने लगा हो हल्ला, हु अल्लाह होने लगा, इनके प्रति विद्रोह होने लगा। लेकिन जो बात सत्य है तो सत्य है, राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा बेंजामिन डिजरेली। तो कहीं ना कहीं आपको तो समझ में आ रहा कि पहला व्यक्ति ऐसा है, पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने कुछ अच्छी बात कही कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। सभी तो आ रहे हैं अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिमों का विद्रोह है, ये ईसाइयों की एशियाई लोगों के स्वभाव का है, ये कहीं ना कहीं धर्मांधों के प्रति एक विद्रोह है, ईसाइयों के प्रति विद्रोह है। लेकिन इन्होंने जो बेंजामिन डिजरेली थे, इन्होंने कुछ अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। चलिए तो यहां से जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो लमसम समाप्त होते हैं। अच्छा बेंजामिन डिजरेली ने जब ये बात कही थी कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, तो रूढ़िवादी जो लोग वहां पर बैठे थे ना, उन्होंने बहुत इसका विद्रोह किया था, बहुत विद्रोह किया था, ठीक है। चलिए तो अंग्रेज इतिहासकार हमारे लमसम यहां से समाप्त होते हैं, आगे हम बात करेंगे भारतीय इतिहासकारों की। भारतीय इतिहासकारों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है अशोक मेहता का, ध्यान रखिएगा अशोक मेहता का, ठीक, अशोक मेहता का नाम इसमें आता है। अशोक मेहता की एक बुक थी द ग्रेट रिवेलियन, क्या थी, द ग्रेट रिवेलियन, ये बुकें भी बहुत पूछा जाता है, जाती हैं, द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन, अब बात ये आती है कि अशोक मेहता ने अपनी किताब द ग्रेट रिवेलियन में क्या कहा। इन्होंने कहा कि ये जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है, विद्रोह है यानी इसका जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय था। इन्होंने क्या कहा, इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, राष्ट्रीय है, स्वरूप कैसा है, राष्ट्रीय है। 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय है, ये बात कही अशोक मेहता ने अपनी बुक द ग्रेट रिबेलियन में। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, व्यक्ति का नाम क्या था, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को आप कर लीजिए स्टार, इसको हम सब कुछ पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि वीडियो के अंत में हम आपको जाते जाते विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बताते हैं। इसके बाद आए थे नेक्स्ट डॉक्टर एस एन सेन आए थे, कौन आए थे, डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन ने क्या कहा, डॉक्टर एस एन सेन ने यह कहा
देखिए, अच्छा यहाँ से हम आपको एक बात बता दें, जो डॉक्टर एस एन सेन थे वो कहीं ना कहीं एक सरकारी इतिहासकार थे। सरकारी इतिहासकार समझते हो, यानी कि भारत सरकार के एक तरीके से इतिहासकार थे। भारत सरकार अगर कहेगी तो भारत तो ये कुछ कहेंगे उस पर। तो भारत सरकार ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आप भी तो कुछ बोलो। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो 1857 का विद्रोह है ये कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक प्रकार से एक धर्म की लड़ाई है। धर्म के रूप में इसका मतलब, सॉरी हम इसको समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब यहां से इन्होंने कहा था कि जो कुछ धर्म के उद्भव के लिए यानी कि धर्म के विकास के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी और जो कि 1857 की क्रांति के रूप में खत्म हो गई, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसका समापन हो गया। बस इतनी सी बात कही थी, ठीक है। क्या बात कही थी कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से समाप्त हुआ। इतनी सी बात थी, ठीक, काफी लंबी चौड़ी बात इन्होंने कही थी। तो जब इन्होंने ये बात कही, इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, जब इन्होंने ये बात कही तो बहुत सारे लोगों ने इनका क्या किया, विरोध किया कि भाई ये किसी एक धर्म की वो तो बात थी नहीं, यानी कि धर्म की तो बात थी नहीं कि हम हिंदू लोग सुअर को नहीं, सुअर का जो खोल था वो नहीं निकालेंगे, मुस्लिम लोग सुअर का खोल नहीं निकालेंगे और जो हिंदू लोग हैं वो गाय का खोल नहीं निकालेंगे, यानी कि गाय की जो चर्बी से खोल बनता था। तो कहीं ना कहीं ये केवल एक धर्म का विद्रोह नहीं था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये धर्म के लिए लड़ाई से प्रारंभ हुआ और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से ये खत्म हो गया। तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके समर्थन में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था डॉक्टर सी मजूमदार। क्या नाम था? डॉक्टर आर सी मजूमदार। अब डॉक्टर आर सी मजूमदार इनके सपोर्ट में आ गए, तो इन्होंने क्या कहा, उस पूरी किताब का निष्कर्ष निकाला, जो भी इन्होंने लिखा था उसका निष्कर्ष निकाला, और इन्होंने कहा कि ना ही ये सैनिक विद्रोह है और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा? ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। अब ये तो अब इतनी सारी नामों में ही कंफ्यूजन हो रहा है भैया, लेकिन इसके लिए इन्होंने बहुत से तथ्य भी रखे। तथ्य इन्होंने क्या क्या रखे, देखिए, तथ्य इन्होंने सबसे पहला ये रखा कि अगर हम पंजाब और एमपी में चले जाएं तो कहीं ना कहीं ये हमको सैनिकों के रूप में एक विद्रोह दिखता है। ठीक, अगर हम मान लो इधर झारखंड वाले बेल्ट में चले जाएं, ये जो झारखंड वाली बेल्ट आती है, अगर इधर चले जाएं झारखंड वाली बेल्ट में चले जाएं तो ये हमको एक जनजातीय विद्रोह के रूप में दिखता है। ठीक, अगर हम इधर आ जाएं अवध और मेरठ की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जो स्थानीय राजे रजवाड़े हैं इनके प्रति ये विद्रोह दिखता है। और अगर हम नीचे दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, महाराष्ट्र के हिस्से में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं ये शांति से लड़ा गया, मतलब दक्षिण भारत जो महाराष्ट्र के लोग थे वो कहते थे हम किसी प्रकार का कानून नहीं तोड़ेंगे और लड़ाई में हिस्सा लेंगे, तो ये शांति से युद्ध लड़ा गया। तो बताइए हम इसको क्या कहें। तो ना ही इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह कहा और ना ही इसको इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा। बड़ा भाई कन्फ्यूजन है, क्या नाम कहा जाए, इतना सारा कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि क्या नाम कहा जाए। ठीक है, चलिए ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कौन से इतिहासकार आए। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हाँ ओके, चलिए तो भारतीय इतिहासकारों में आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या हुआ था, अंग्रेजों के एक जज थे हैरियट, क्या नाम था? हैरियट जज थे। इनके पास एक मुकदमा आया था, किसका? बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह
जफर का, बहादुर शाह जफर का जब मुकदमा इनके पास आया था तो इन्होंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जो 1857 की क्रांति है, इसकी जो जड़ें हैं वो राज दरबार तक फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये कथन पूछा जाता है, ये आपको हमने बता दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक, भारतीय इतिहासकार हो गए, अंग्रेज इतिहासकार हो गए, अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया है कि हम इसको क्या माने, सैनिक विद्रोह माने या सिपाही विद्रोह माने। हम बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। ठीक, विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में आपको पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें यह बताया गया, इस किताब में यह बताया गया कि ये जो विद्रोह था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बताया गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको हम आज पढ़ते हैं 1857। तो विनायक दामोदर सावरकर जी की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये बताया गया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको स्टोरी बताते हैं। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विनायक दामोदर सावरकर जी ने 25 साल की उम्र में कई दस्तावेज खंगाले, कई पृष्ठभूमियां देखी, हर एक चीज को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। गहराई से अध्ययन करने के बाद एक इन्होंने किताब छापी जिसका नाम था द स्वतंत्र भारत। क्या नाम था? द स्वतंत्र भारत। द स्वतंत्र भारत, जो कि मूल रूप से इन्होंने किसमें लिखी थी? मराठी में। मूल रूप से इन्होंने लिखी थी मराठी में। ठीक, तो इन्होंने सब कुछ एक एक दस्तावेज पढ़ने के बाद, एक एक उसकी छोटी छोटी गहराइयों को ढूंढने के बाद 25 साल की उम्र में एक किताब लिख डाली। उस किताब का हिंदी में संस्करण किया गया। हिंदी में संस्करण करने के बाद वो बन गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो किताब थी कहीं ना कहीं भारतीय लोग थे उनके लिए, और जो भारतीय लोग थे उनके लिए, भारतीय सैनिक थे उनके लिए, भारतीय की आर्मी थी उनके लिए, यानी जो भी एक जन जन का नेता था उसके लिए गीता बन गई, एक पवित्र पुस्तक बन गई। गीता की तरीके लोग इसको पूजने लगे। अच्छा, जब ये वीर दामोदर सावरकर ने किताब लिखी तो ये सावरकर जी जानते थे कि ये किताब छपते ही, क्योंकि कोई भी इसके साथ नहीं खड़ा है, एक भी अंग्रेज अधिकारी इसके साथ नहीं खड़ा है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये जो क्रांति है ये स्वतंत्रता संग्राम है, तो ये जानते थे कि कहीं ना कहीं इसकी जो हम अगर प्रतियां छाप रहे हैं, ये जो किताब है अगर इसकी प्रतियां छाप रहे हैं तो वो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, इस किताब की तीन प्रतियां छापी। किताब की इन्होंने क्या किया, तीन प्रतियां छापी। एक प्रति को भारत में भेज दिया, एक प्रति को फ्रांस में भेज दिया, ठीक है, और एक प्रति को इंग्लैंड में, यानी कि जो स्थानीय भाषा थी उसके रूप में इसको भेज दिया। ठीक है, यहां पर फ्रांस में भीखाजी कामा ने क्या किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। भीखाजी कामा ने क्या किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और भारत में इनके भाई थे, क्या नाम था, बाबा राव सावरकर। क्या नाम था? बाबा राव सावरकर ने इसकी प्रतियां छापी। ठीक, जब सारी प्रतियां छप गईं तो इसको क्या किया गया, पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर बांटा गया। अलग अलग स्थानों के बांटने के बाद ये हर व्यक्ति के हाथ में चली गई, लमसम हर व्यक्ति के हाथ में जाने का मतलब समझ सकते हैं ना, लोगों तक पहुंच इसकी बन गई। तो जब लोगों तक पहुंच इसकी बन गई तो ब्रिटिश के जो लोग बैठे थे इन्होंने कहा, अच्छा एक बात और, जब ये किताब छपी थी ना, ये किताब छपी थी 1857 में, 1857 की
1857 में छपी थी, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, इसका प्रकाशन नहीं करने दिया था अंग्रेजों लोगों ने। तो जा करके ये 1909 में प्रकाशित हुई थी, 1909 में ये प्रकाशित हुई थी। तो कहीं ना कहीं चोरी छिपे इसको बेचा जा रहा था पूरे भारतीय सरजमीं पर। धीरे 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 ये फैलने लगी, और जो रियलिटी थी, जो 1857 की क्रांति की रियलिटी थी, वो सबके सामने पेश कर दी इस किताब ने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, इसके बाद कई सारे जो क्रांतिकारी आए उनके लिए ये किताब प्रेरणा स्रोत का काम करने लगी, जिसमें गदर पार्टी का जनक अगर गदर पार्टी की अगर स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं इसी की देन थी, इसी किताब की देन थी। इसी किताब को पढ़ करके ही जो स्थापना करता थे उनको एक पावर मिली अंदर से, एक मतलब मनोबल प्राप्त हुआ कि हाँ चलो देश के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि 1857 क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी। इसके बाद शहीद भगत सिंह को इससे प्रेरणा मिली, राजसी टंडन थे उनको इससे प्रेरणा मिली, राजसी टंडन के बाद रास बिहारी बोस थे उनको इसको प्रेरणा मिली। इसके बाद अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उससे ये बहुत प्रेरित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने तो क्या किया, इसका तमिल में अनुवाद ही कर डाला। तो तमिल में अनुवाद करने के बाद भी ये बहुत जगह पर बेची गई। तो कहीं ना कहीं वीर दामोदर सावरकर की जो किताब थी ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसने क्या किया, पूरा दृष्टिकोण समान कर दिया और हर चीज सामने प्रस्तुत कर दी। तो अंग्रेजों के जो इतिहासकार थे, भारतीयों के जो इतिहासकार थे, सबकी जो बातें थी वो किनारे हो गई, और वीर दामोदर सावरकर जी का जो मत था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने पूरा साफ कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये जो हमारा वीडियो होता है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से युद्ध हुआ, मंगल पांडे कौन थे, इसके बाद मंगल पांडे के बाद कारतूस का क्या सिस्टम है, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का क्या मतलब, किस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ, बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्यों थे इनमें किसने किसका नेतृत्व किया, हर स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर सच्चे भारत अपने सच्चे दिल से भारत को प्यार करते हैं, तो आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जरूर जानना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।